ये है हमारा गांव, छोटा सा, जिस गांव में हम लोग रहते हैं बड़े ही प्यार से। और भाग्यवान, बगीचे में बहुत सारे आम पक गए हैं, क्या मंगवाऊं कल से खाने के लिए तुम्हारे? जी ठीक है, लेकर आना, बहुत अच्छे लगते हैं आम, इस समय तो पक ही रहे हैं, खाने में मजा आएगा। ठीक है, जैसा कहती हो कल जरूर मंगवा दूंगा तुम्हारे खाने के लिए। अरे ये तो माली के बगीचे से कोई पेड़ ही काट कर उठा ले जा रहा है, पता नहीं चलता कौन ले जा रहा है काट के, लेकिन पेड़ कटे हुए पड़े हैं, पता नहीं कौन चोर है जो लकड़ी चुराता है मालिक के बगीचे से। तभी वहाँ से वह पेड़ चोर जो लकड़ी काट कर उठा ले जा रहा था, वहाँ से गुजर रहा था, तभी एक आदमी उसे देख लेता है और देख कर जाकर उस मालिक से बताता है कि आपके बगीचे से कोई एक है जो आपकी लकड़ियाँ काट कर आपके बगीचे से उठा ले जाता है और बेच लेता है। हाँ, यहाँ से तो सारी लकड़ियाँ कोई काट कर उठा ले जा रहा है और पेड़ भी कम दिख रहे हैं। सही कह रहे हो जी, पेड़ कोई काट ले जा रहा है और आप देखने ही नहीं आते हो, सिर्फ आम के चक्कर में पड़े रहते हो। नहीं भाग्यवान, मैं ये सोच रहा था कि घबराओ नहीं भाग्यवान, जो मेरे बगीचे से लकड़ियाँ काट कर ले जा रहा है उसको मैंने पकड़ लिया है और आज उसको सजा दूंगा। ठीक है जी, तुम तो बहुत जल्दी उसको पकड़ लिए, पता नहीं पकड़ में आता कि नहीं आता। नहीं जी, वो मिल गया है, देखिए है। तभी वहाँ से वह लकड़ी चोर भी आ जाता है जो मालिक के बगीचे से लकड़ी चुरा रहा था और जिसने देखा था वह सामने ही खड़ा था। आज उसको घर पर बुलाया हूँ जो हमारे बगीचे से लकड़ियाँ चुरा रहा था, और तुम देखना उसको किस तरह से डांटता हूँ। ठीक है जी, समझा दो कल से वो लकड़ी न काटे बगीचे से, चोरी से उठा ले जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। देखो आज तुमको समझाई दे रहा हूँ कि मेरे बगीचे से लकड़ियाँ मत चुराना, आज छोड़ दे रहा हूँ, फिर नहीं छोड़ूंगा। यही होता है चोरी करने का नतीजा, आज बच जा रहे हो।